नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसके दो अन्य साथी मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर चोरी किया हुआ 14 टायर वाला ट्रक भी बरामद किया गया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अमहट स्थित पुरानी हवाई पट्टी के करीब का है, जहां अंतर जनपदीय लुटेरों को देखे जाने की खबर पुलिस को मिली। लिहाजा बीती रात नगर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने इन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी कर दी। अपने को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में बदमाश जाबिर अली के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया क्योंकि उसके दो साथी मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस की माने तो घायल बदमाश जाबिर प्रतापगढ़ का रहने वाला है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवरों को अपना निशाना बनाता था और इन्हीं से लूटपाट की घटना को अंजाम देता था। बहरहाल जाबिर की निशानदेही पर पुलिस ने 14 टायर वाला चोरी किया हुआ ट्रक, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद कर लिया है। साथ ही उसके फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अपराध 894/23 अंडर सेक्शन 379 जो ट्रक चोरी का 15/9/23 को पंजीकृत हुआ था, जो प्रयागीपुर के पास ये घटना थी। इस संबंध में मुखबिर द्वारा आज सूचना मिली थी कि जो अमाट के पास पुराना हवाई पट्टी है, वहाँ एकांत में एक ट्रक खड़ी है और वहाँ पे कुछ व्यक्ति संदिग्ध इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। इस सूचना पे समुचित पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर कोतवाली नगर और उनकी टीम एवं स्वाट टीम द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस बल को देख वहाँ पे मौजूद बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा दो बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर वहाँ से मौके से भाग गए। इंजर्ड बदमाश को उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और मजरूह अपराधी जो ये बदमाश पकड़ा गया, इससे पूछताछ करने पे इसने अपना नाम जाबिर अली सनाफ अब्दुल सत्तार, जो कि प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के पूरे सहोदर का रहने वाला है और भागे हुए अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, जो मौके से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ है। चोरी गया ट्रक जो 14 टायर का है, UP 44 CT 1065, वो भी बरामद हुआ है। अभियुक्त जिसके पैर में गोली लगी है, जाबिर अली का एक आपराधिक इतिहास है। इस पे लगभग 6 मुकदमे हैं जो गंभीर धाराओं के हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।